व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करेंगे कि एलोवेरा जेल को हम कैसे अप्लाई करेंगे और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे कैसे हम बेनिफिट पा सकते हैं। गाइस एलोवेरा जेल मैं बहुत साल 6-7 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरी स्किन बहुत बार ख़राब हुई है, फिर उसके बाद ठीक हुई है। जैसे सन टैनिंग हो गई, पिगमेंटेशन हो गया, डार्क स्पॉट हो गया, मार्क हो गए और स्किन की अनइवन स्किन हो जाना, यू नो। तो रात में सोने से पहले मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट भी यूज़ करें और सबसे किफ़ायती और सस्ता, यू नो, सिर्फ 90 या 100 रुपीज़ में मिलता है आपको। बट इसको लगाने का तरीका बहुतों को नहीं पता है, सीरियसली किसी को भी नहीं पता है। सिर्फ लोग सोचते हैं कि इसको लगा दो बस हो गया, नहीं। बट एग्जैक्ट वे क्या है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट पा सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करोगे, क्या क्या मेथड है और सबसे बेस्ट वे क्या है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा लेने का, जिससे आपकी स्किन बेहतर हो सके, जो टैनिंग है वो हट सके, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, एक्ने के मार्क्स, एक्ने और जो भी स्किन में प्रॉब्लम्स है जो कि मैंने फेस कर चुकी है और मैंने उससे यू निजात पाई है। सो अगर आप देख सकते हो मेरी पुरानी फोटो और अभी की फ़ोटो, तो मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़ यूज़ करी है। अगर आपको देखनी है तो मैंने वीडियो डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो मैंने कौन कौन सी होम रेमेडीज़ यूज़ करी जिससे मुझे फ़ायदा मिला हुआ है। तो उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमूव योर टैनिंग, योर एक्ने मार्क्स, यू नो, डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल। सो गाइस अब मैं बताता हूँ कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है और अच्छे से आपसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे पा सकते हो। सो गाइस सबसे पहला स्टेप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, फेस वॉश से वॉश नहीं करना है, आपको क्लींजर यूज़ करना है, ठीक है। क्लींजर मैं रिकमेंड कर दूंगा, दिखा दूंगा कौन सा यूज़ करना है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। एक न्यूट्रोजना का क्लींजर भी अच्छा है, फाई का क्लींजर भी अच्छा है। न्यूट्रोजना मैन और वीमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं और क्लींजर सिर्फ मैन के लिए, फाई का भी अच्छा है सिर्फ मैन के लिए हो। और मैं दोनों नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप लड़कियों के लिए अलग होगा, लड़कों के लिए अलग होगा, दोनों मेंशन कर दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हो। सबसे बेस्ट आपको डिटॉल से फेस वॉश नहीं करना है, ना साबुन से फेस वॉश करना है, सबसे सोने से पहले आपको फेस वॉश करना है क्लींजर से, ठीक है। नहीं तो एक्ने स्टार का साबुन भी आता है, वो फेस के लिए बनाया अलग से, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके एक्ने ज़्यादा हैं तो एक्ने स्टार का साबुन यूज़ करो, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो भी क्लींजर की तरह है। तो जब आप क्लींज करोगे तो आपका क्या होता है कि जो बैड ऑयल और गुड ऑयल होता है तो बैड ऑयल निकलेगा क्लींजर की हेल्प से और आपका डस्ट वस्ट पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है क्लींजर से अपना फेस वॉश करना है। तो अभी चलता हूँ, सबसे पहले अपना मैं फेस वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद सेकंड स्टेप आपको बताता हूँ। सो अभी मैंने फेस वॉश कर चुका है, टॉवल से थोड़ा अच्छे से साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो चुका है, फेस को रगड़े ना, कभी भी टैप करे वो खुद ही ले लेगा आपका, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा फेस क्लीन। सो गाइस सेकंड स्टेप हमारा रोज़ वाटर टोनर यूज़ करना है आपको, जिससे कि आप अपने जो स्किन में जो अभी भी कोई डस्ट या कुछ बचा होगा वो निकल जाएगा, जो भी मैल होगा वो अच्छे से साफ हो जाएगा, जो कीटाणु विटाणु होंगे वो साफ हो जाएंगे। सो गाइस सेकंड स्टेप है, क्योंकि सेकंड है स्टेप हमारा टोनर यूज़ करना, मतलब कि रोज़ वाटर यूज़ करो, जिससे कि आपको जितने भी कीटाणु होंगे या कुछ भी डस्ट बचा होगा वो साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोने से पहले अपने स्किन में आपको कुछ नहीं रहने देना है, अगर वो कुछ भी डस्ट या होगा तो रात भर में अगर वहाँ पर रहेगा तो उससे पिंपल्स हो सकता है, आपका जो पोर्स होगा वो बंद रहेगा। सो यहाँ पे मेरे पास ये वाला है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये डॉक्टर सेट्स का है क्लींजर, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। या आप नॉर्मल से रोज़ वाटर जो होता है उसको यूज़ करो और रुई रहती है उससे आप डिप करके अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, स्प्रे वाला है, तो आप कोई भी खरीद सकते हो, टोनर होना चाहिए बस, पहला क्लींजर उसके बाद टोनर यूज़ करना है। तो अभी करता हूँ इसको, तो ये सेकंड स्टेप, तो इसको मैं पूरा अपना फेस में आराम से हल्के हाथों से पूरा वो कर दूंगा, चेहरे पे लगा दूंगा। अगर आपके पास रुई है तो रुई से भी कर सकते हो, बट आपके हाथ साफ हैं, अभी आपने हैंड वॉश किया है, तो क्लींजर ऐसे ही आप, ये जो टोनर है आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो प्रॉपर। तो इसको थोड़ी देर में सूखने के लिए ऐसे छोड़ दूंगा। तो ये हो चुका है और अच्छे से आँखों के नीचे भी मसाज कर सकते हो उससे थोड़ा। तो अभी मैं इसको थोड़ा ऐसी 2 मिनट ऐसे रखता हूँ, 2 मिनट में सूख जाएगा आराम से, और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप उसको फॉलो करेंगे। सो फाइनली पूरा अच्छे से ये सूख चुका है। अभी आप देख सकते हो कुछ मार्क्स बचे हुए हैं, कुछ 1 महीना हुआ है मुझे ये चीज़ें करते हुए, क्योंकि 1 महीने पहले मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज थी और अभी आप देखोगे तो बहुत सही हो चुकी है। तो 1 महीने पहले की फ़ोटो आप दिखाऊंगा तो आपको ये बिलीव होगा।
सो ये चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी जेन्युइन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फॉलो करो। सो थर्ड स्टेप है यहाँ पे हमारा एलोवेरा जेल को अप्लाई करना, जो सही तरीका क्या होना चाहिए। तो सिर्फ एलोवेरा जेल लेके यू नो ऐसे अप्लाई कर दिया ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन में छोटे छोटे पोर्स हैं, उसके अंदर वो एलोवेरा जेल जाना चाहिए जिससे कि वो रिपेयर कर सके आपकी स्किन को। सो हम एलोवेरा जेल लेंगे, एकदम सो को ज़्यादा मोटा नहीं लेना, थोड़ा सा आप एलोवेरा जेल लोगे, आप देख सकते हो मैंने कितना लिया है। तो ये देखो कितना एलोवेरा जेल है, इसको लेके मैं आराम से अपने फेस पे यू नो अप्लाई करूँगा, पहले अपने चारों तरफ माथे में। अभी क्या करना है आपको, इससे थोड़ी मसाज करनी है। क्यों मैं वो भी बताता हूँ आपको क्यों करनी है। जो एलोवेरा जेल है ना, सबसे पहले आपके स्किन में घुस जाए वो, जो आपके पोर्स हैं यू नो, तो आराम से एक बार अच्छे से आपके खुल जाए। ये दो वाली फिंगर यूज़ करना क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत कम होता है, तो आपके इसमें ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना है। तो आराम से अपने फेस में थोड़ी सी धीरे मसाज करनी है, आँखों के नीचे सब जगह, जिससे कि जो आपके पोर्स हैं जो बंद हुए पड़े भी हैं वो खुल जाएँ और आपके स्किन के अंदर तक ये जा सके। सबसे मेन फोकस मेरा भी ये है कि मेरा जो एलोवेरा जेल मैं लगा रहा हूँ वो मेरे स्किन के बहुत अंदर तक चला जाए, जो पोर्स हैं। ठीक है, होठों में भी लगा लें, होंठ रेड होते हैं इससे भी प्रिपेयर होते हैं। तो गैस एलोवेरा जेल हम क्यों लगा रहे हैं, एलोवेरा जेल क्या इतना खास होता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आपको पता होगा एलोवेरा जेल सबसे पहले आपकी स्किन को रिपेयर करता है। अगर आपके सन बर्न हो चुके हैं, धूप से आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, तो वो बेस्ट है सबसे ज़्यादा आपकी स्किन को रिपेयर करे, जैसी आपकी ओरिजिनल स्किन है वो वैसे ही करेगा। ठीक है, उसके बाद डार्क स्पॉट आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करता है, जो कि सेल्स आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, सो नॉर्मल सी बात है। तो और सेकंड चीज़ जो आपकी स्किन जो डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करेगा। सबसे बड़ी ये स्टडी में भी पाया गया है कि एलोवेरा जेल आपकी स्किन को रिपेयर करता है। और जो मेन चीज़ है, जो डार्क सर्कल है ना, उसके क्या रीज़न है। सबसे पहले गाइस, आपके डार्क सर्कल तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप प्रॉपर नींद ना लो। तो 7 to 8 hours या 6 to 8 hours के बीच में आपको सोना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं सोओगे तो आपकी स्किन रिपेयर नहीं होगी। रिपेयर कब होती है, जब आप सोते हो। आपकी बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट तब रिपेयर होता है जब आप 6 to 7-8 hours की स्लीप लेते हो। सोने के टाइम ही आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपकी स्किन भी रिपेयर होती है। तो ये नहीं कि 4 to 5 hours सोया और आपकी स्किन रिपेयर हो गया, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ डार्क सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके एक्ने के स्कार्स हो गए, आपकी स्किन हो गई, टोटल रिपेयर तभी होगी। और पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 3 to 5 liters के बीच में आपको पीना ही पीना, 2 liters से भी काम नहीं चलेगा, 3 to 5 liters आपको पीना है। ठीक है, सो अब मैंने मसाज कर दी, जो थर्ड स्टेप बताया। अब आपको इसमें एक मोटी सी लेयर अपने फेस में चढ़ानी है। अभी मैंने ये पहले मसाज के लिए अंदर तक घुस गया, अब मैं क्या करूँगा, एक मोटी सी लेयर लगा लूँगा जो कि 1-2 hours तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आप सो जाओगे रात में, आप ऐसी सिर रख के सो जाना है और हिलना भी नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक मोटी सी लेयर अपने फेस में जितना हो अब लगाऊँगा। ठीक है, ऐसी करके अपना बस ये है, ये थर्ड स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप हो गया ना ये। ठीक है, मैं रात में सोने से पहले यही करता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आपको क्लिंजर यूज़ करना है, फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, अच्छे से फेस वॉश कर लें, टॉवल से फेस को साफ़ करें। और थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप आपका जो टोनर है, टोनर अप्लाई करें। उसके बाद आपका फोर्थ हो गया ये, अपने एलोवेरा जेल से मसाज करें। ठीक है, और फिफ्थ में आपको एलोवेरा जेल की एक लेयर लगानी है। लेयर ज़रूरी है, जितना हो, जहाँ पे ज़्यादा पिंपल हो, जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स हो यू नो, वहाँ पे ज़्यादा और मोटी परत लगा लें। और 100 rupees का यार बहुत चलता है आराम से। ठीक है, तो होठों में भी लगा लें, तो ये हो चुका है हमारा, आँखों में भी लगा लें क्योंकि आपको इसके बाद सोना ही होता है खाली। और ऐसा नहीं कि आप इसे सिर्फ रात में लगाओ, बट मैं इतना बता दूं, कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर आप, क्योंकि दिन में हम क्या होता है, कोई भी चीज़ लगाते हो तो अपना दिन भर हाथ वाथ लगाते रहते हैं, 6 to 8 hours तक अपनी स्किन को आप छेड़ते नहीं हो, है ना। तो जब आप सोते हो कोई चीज़ लगा के, तो सो जाते हो और वो आराम से काम करती है आपके चेहरे में, रिपेयर करती है। और ऊपर से आपकी स्किन, आप सोए भी हो तो रिपेयरिंग मोड चला है, तो आपकी स्किन जल्दी रिपेयर हो रही है। और आप नॉर्मल बात है कि आप अपने हाथों से अपनी स्किन में हाथ नहीं लगा रहे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो गैस, ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने अप्लाई करी है और मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पाए इससे। तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और फॉलो करो 100%
मैं पहले ही बता दूँ, ये चीज़ें बहुत लेट काम करती हैं। मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट होंगे, मतलब एक्चुअल जो रिज़ल्ट हैं धीरे धीरे दिखेंगे, बट आपको उतना पता नहीं लगेगा क्योंकि आप रोज़ देखते हो, बट एक्चुअल में वो स्पीड तब बढ़ेगी जब आप उसको रेगुलर यूज़ पे यूज़ करते रहोगे। सो गाइस, ये एलोवेरा का सबसे बेस्ट वे है रात में इसको लगाना अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए। दिन में भी लगा सकते हो, सुबह भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट कोई भी चीज़ अगर अप्लाई कर रहे हो अच्छी खासी तो उसको रात में, अगर उस ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट लेना है तो रात में लगाइए। सो ये एलोवेरा जेल स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपको बताया रात वाला। सो गाइस, ये वीडियो था एलोवेरा जेल के बारे में कि हम एलोवेरा जेल को कैसे अप्लाई करें। तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, और अगर आपके पास घर वाला एलोवेरा जेल का पेड़ है तो डेफिनेटली उसको अप्लाई करें, इसको अप्लाई ना करें क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि तरोताजा है। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने आपको बताया होगा कि कैसे अप्लाई करना है, ये उसी के बारे में था खाली। और अगर वीडियो पसंद आई है और भी ऐसी वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो और लाते रहूँगा।